मोनू लगभग यहाँ 3 साल से घर पर था और अब अचानक से जा रहा है तो घर तो थोड़ा सूना हो गया। तुम खुश रहो जिस काम के लिए तुम जा रहा है, बस दुनिया संसार छोड़ के। तो फाइनली जी हमारा हो गया दादी घर का टूर और आ गए अपने घर। और जी कल जब हम लौट रहे थे, लौटते समय जी हमारी भांजी और हमारे बेटे ने जो तमाशा किया पूछिए मत, इतना तमाशा किया, बीच में इतना रोने लगे ये लोग, इन लोग को भूख लग गई थी तो फिर इनको जो है दूध पिलाया गया। तो हमारा भांजा जो है वह तो आराम से पी करके सो गया, लेकिन हमारा जो बेटा था उसको दूध में चाहिए था चीनी, उसको थोड़ा चीनी का आदत लग गया है, तो उसका चीनी का आदत जो है थोड़ा कम भी करना है, उस पर कुछ काम कर रहे हैं हम लोग। तो उस समय उसको चीनी नहीं मिल रहा था। भाई साहब ये तमाशा किया, हम गाड़ी रोक करके उसको चुप करने में लग गए। फिर देखे कि रास्ता जो है काफी सुनसान है और यहाँ पर जो है गाड़ी रोकने का कोई फायदा नहीं है। तब वहाँ से जो है हम लोग निकल गए और बीच रास्ते में सभी लोग अपना जितना गीत होता है, जिसको जितना सुर था करते 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 भाई साहब सो गया। फिर तब आए आराम से घर और इतना ज्यादा थक गए थे कि कल खाए भी नहीं, चुपचाप जा करके सो गए और कब सोए हमको पता भी नहीं चला। तो अभी उठे हैं जी कुछ देर पहले और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और अब लगी है मुझे बहुत तेज भूख। तो जाते हैं और जल्दी से खाना खाते हैं। A few moments later. तो दिन इसको लटका के घूमता रहता है। और इधर ये जो है उठ चुका है अपना और मजे में खेल रहा है। ये देखो अच्छा उधर लड्डू है, प्यारा भांजा इसे मन करता है इसको जीते। इधर लड्डू इधर है पेड़ा। और मम्मी भी इधर अपने लग चुकी है खाना बनाने में। तो आज बन रहा है लगता है आलू की सब्जी, आलू के साथ कुछ और भी, आलू परवल की सब्जी और भिंडी का भुजिया, रोटी चावल। अच्छा 20 minutes later. बाहर हो रही है जी जबरदस्त बारिश, देख सकते हैं क्या मस्त मौसम है बाहर। और जिया को फोन आ गया शायद रिया का, तब रिया से बात कर रही है, मम्मी का है। और यहाँ पर क्रियांश को जो है उसके चाचा घुमा रहे हैं, सोने का नाम नहीं ले रहा है, ये आ जाएगा अपने पापा के पास। हाँ पापा के पास, पापा जा रहे हैं नहाने, घूमो चाचा जी के साथ। बाबू भूखू लगा है, अभी नहीं पीना ठीक है, 1 घंटा बाद दूध पीना। ओके 1 घंटा बाद दूध पिएगा ना बेटू। बिल्कुल सरप्राइज था एकदम, इसलिए दो बार मेरा टिकट कैंसिल हो गया। नहीं था शौकी था, शौकी था, सोचे कि ग्रिल में धक्का देंगे वही किए ना। हमारा भी हो गया जी नहाना और हम नहा रहे थे और अचानक से जो है एक सरप्राइज मिल गया, हमें भी पता नहीं था कि आज हमारी अमावस्या आने वाली है। परिवार आता है पता ही नहीं चलता है कि कब 3 बजा कब 2 बजा। बिल्कुल गप करने में खुशी के माहौल में समय बीत जाता है। वही बात है जी। तो अभी बज चुके हैं 3:10 और इस समय सभी का खाना हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए इसी तरह सब सकुशल रहे, सब लोग आते जाते रहे, मिलते जुलते रहे। बिल्कुल यही जिंदगी है। और आंटी का तो बिल्कुल सरप्राइज था, हम लोग निभा के चले। तो ठीक है जी। तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि आभा मौसी कब आई, कि आभा मौसी अपने पोते को देखने नहीं आई। तो हाँ जी आ गई है, उनकी दादी भी आ गई है, क्रियांश की दादी भी देखने के लिए। तो आंटी आई है जी गांव से लेकर के, वहाँ का शुद्ध छेना का मिठाई जो कि हमें काफी ही अच्छा लगता है, तो सभी को मम्मी यह बांटेगी। घर में लिट्टी बनाना और उसमें मेरे लिए अच्छा चीज देना, इसके लिए मिर्ची डाल देना। टाइम कम का है, तुम्हारे अपनी सारो नहीं है इसीलिए। सोनू ले इसका बेटा है लेकिन मुझे डोसा खिला गिला है वहाँ से। आंटी की बहू आंटी बगल में खड़ी है, मम्मी की बहू मम्मी बगल में खड़ी है, दीदी बेचारी कहीं नहीं है। साखा पत्रों में शायद वही होगी। आओ आप लोग टाइम को तो बैठे रहते, 12 को हो और 36 को हो इतना का अंतर है। लोगों ने कहा सासू खा करके मुस्तंद हो गई है, बहू की नहीं पता। मोटी है तुम बगल हट के रहो। मम्मी को तो यार जब मम्मी का चल नुनू एक दो दिन बैठ इतनी भारी भरकम। अभी चल रहा है जी इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो अभी देख रहे हैं मैच। और आज जो है नैन्सी दीदी मम्मी और हमारा भांजा मोनू और रितु सभी लोग जो है आज दिल्ली निकलने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मोनू और रितु क्यों दिल्ली जा रहे हैं, तो मोनू जा रहा है जी अपने लाइफ की एक नई शुरुआत करने के लिए, वह जा रहा है अपने इंटर्नशिप के लिए, साथ साथ रितु भी जा रही है अभी वहाँ जा करके अपनी पढ़ाई करेगी। और हमारा जो है बाबू आ चुका है, दिल बदलू इंसान, इसको रह के इंसान चेंज करवाना। अच्छा देखिए खूब नीचे वीडियो बना के आया है जो कि हमारे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ठीक
ठीक है जी, तो अब ऐसा करते हैं मैच को देखते हैं। और यहाँ किचन से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? दाल पूरी, तुम्हारा फेवरेट पूरी, क्योंकि तुम कहता था नानी वाला पूरी, मतलब दाल पूरी। नाम बहुत तेज है, तुम सुन है, ऐसा कहीं हो सकता है? पूर्णिया में ध्यान होगा इसी पूरी पर। अच्छा, रेसिपी जिया के चैनल पर रहेगा, जिया का चैनल हमने यहाँ पर डाल दिया है, इसका नाम है सासो जिया ब्लॉग, तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा, है ना? अच्छा, ये भी खाएगा क्या दाल पूरी? देख तो रहा, ये भी खाएगा दादी? पूर्णिया में भी खाया, इसकी मम्मी खाएगी फिर प्रोडक्शन होगा तब ये खाएगा। पूर्णिया में, पूर्णिया में कुछ खाए थे? कुछ नहीं खाए थे, केएफसी में। तो जी, अभी कुछ देर पहले हम देख रहे थे क्रिकेट मैच, और फिर अचानक से पता चला कि इनके जाने का भी समय हो चुका है, तो जल्दी से भागा दौड़ी में आए जी, और गाड़ी लेकर के आए हुए हैं। मम्मी को तो स्टेशन पर छोड़ दिया है, अब वहाँ पर सारा सामान सब रखा हुआ है, मम्मी वहाँ पर सारे सामान की देख रेख कर रही है। ठीक है, चलते हैं, चलो बाय। ठीक है, सभी लोग जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अब सारे सामान को ले जाया जाए यहाँ से, चले। पूछताछ में पूछा, मोनू कहाँ गई है? नैन्सी है मोनू। अच्छा, अरे घर का वाला, एक तो घर का नहीं वाला, हमको अभी घर का वाला दही भोजन वाला उठ दे दो हमको। तो गाड़ी आने वाली है जी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और इस गाड़ी का जो एसी पोजीशन है जी वह बहुत दूर है, तो अच्छा खासा अभी हमें चलना पड़ेगा, ताकि जब ट्रेन आ जाए तो उस समय थोड़ा सा भागा दौड़ी ना मच जाए, क्योंकि सामान अच्छा खासा है यहाँ पर, तो पहले से ही हम लोग उस कंपार्टमेंट के पास चले जाएंगे। ये वाला भी देना, चलो। कुछ सामान को तो यहाँ पर रख दिया है जी, ये पीछे आ रहे हैं मोनू, रितु और अंटी, वो सभी आ करके यहाँ पर रुकेंगे, और इनमें से कोई एक लोग जा करके जो बाकी सामान है वो जा करके उठाएंगे। यहीं पर लगेगा, इस पुल के आसपास लगेगा? हाँ हाँ, पुल के आसपास लगते है। एक दो बार दौड़े हैं हम लोग अच्छा से, मालूम है। देखा तो फाइनली जी ट्रेन आ चुकी है, उधर आ रही है ट्रेन, और बारिश भी काफी ज्यादा तेज होने लगी है, तो जल्दी से इन लोग को चढ़ेंगे, फिर हम लोग को निकलना भी है। बिहार के वर्षा हम लोग के बड़ी अच्छी से स्वागत किए हैं, अब हम बारिश में भीगते हुए जाएंगे, भीगते हुए जाएंगे। का जो कंपार्टमेंट है जी थोड़ा सा आगे चला गया है, तो हम लोग जल्दी से वहाँ जा रहे हैं। वैसे टाइम है अभी, कोई हड़बड़ी की बात है नहीं, क्योंकि और एक ट्रेन आएगी और इसमें जुड़ती है, जो राधिकापुर से आता है। पानी का बोतल, तो इनको तो अपना बर्थ मिल गया जी, नैन्सी दीदी का है थोड़ा आगे, 3 बोतल। ठीक है, चलते हैं। खुश रहो, खुश रहो, तुम खुश रहो, जिस काम के लिए तुम जा रहा है, बस दुनिया संसार छोड़ के। चलो बाय बाय। तो ये लोग तो बैठ गए जी ट्रेन में, और बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश, हम लोग भी निकलते हैं। और मोनू लगभग यहाँ 3 साल से घर पर था, और अब अचानक से जा रहा है, तो घर तो थोड़ा सूना हो गया है।